वैसे तेरे नाम की लव स्टोरी देखने के बाद सबका अच्छा रिस्पांस मिला, और उससे भी बढ़िया बात ये थी कि सलमान खान के फैंस हो या बाकी लोग हो, तेरे नाम की कहानी को ऐश्वर्या राय और सलमान खान की कहानी बता रहे थे। अब आप सोचेंगे कि हाँ, कहानी देखने के बाद तो यही लगता है कि ये इन दोनों की लव स्टोरी है, जहां पागलपन है, प्यार है, तकलीफ है, इनसिक्योरिटी है, तो ये तो इन दोनों की कहानी है। और जिस तरह से इस फिल्म के दौरान सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी में काफी सारे उतार चढ़ाव आ चुके थे, साथ ही साथ सलमान खान की पर्सनल लाइफ में भी वायलेंस और प्यार का दर्द, ऐसी बहुत सारी चीजें चल ही रही थी, तो इसीलिए लोगों ने ही अंदाजा लगाया कि ये कहानी ऐश्वर्या और सलमान की लव स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है। इसकी दूसरी कॉपी पर्दे पर देखने को मिल रही है। आप भी हमें बताना कि क्या आप भी यही सोच रहे थे या नहीं। पर सच बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बेशक उस वक्त सलमान काफी गुस्से में थे और अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, पर इसका तेरे नाम फिल्म से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा खुद फिल्म के राइटर ने ही कहा है। फिल्म के राइटर थे बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें बाला कहकर पुकारा जाता है, जो ओरिजिनल फिल्म सेतु के राइटर हैं, जिन्होंने हिंदी रीमेक की कहानी भी लिखी है। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो वो चौंक गए, क्योंकि उनका कहना था कि ये कहानी उनके दोस्त की लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, जो असल में प्यार का दर्द झेलते झेलते पागल खाने गया था। और फिर उन्होंने आखिरकार इस बात को क्लियर भी किया। ये सब कुछ तो है ही, पर जब एक फेमस शो में कटघरे में बैठकर उन्होंने इस फिल्म के ऊपर बात की थी, तब देश के यूथ काफी हैरान हो गए। जब उनसे तेरे नाम के ऊपर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में फिल्म से जुड़ी बातें शेयर की, पर उनकी एक बात ने सबका दिल ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा, तेरे नाम मेरे करियर की सबसे अहम फिल्म है, जिसकी वजह से मेरे करियर को एक अच्छा ट्रैक मिला। इस फिल्म में प्यार है, इमोशंस है, पर फिल्म का जो एंड है या फिल्म में उनका राधे नाम का जो किरदार है, उसके सिर्फ हेयर स्टाइल से ही यूथ को इंस्पायर्ड होना चाहिए अगर वो चाहते हैं तो। पर राधे के किरदार से कभी भी इंस्पायर्ड मत होना। राधे एक लूजर है, प्यार में पागल बनकर खुद की जिंदगी तबाह करने की ना किसी को जरूरत है और ना किसी को हक है। राधे प्यार में पागल था, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हुई, पर लाइफ में ऐसे स्टंट करने के बारे में सोचना भी मत। उनके इस जवाब पर वहां पर मौजूद यूथ ने बहुत जोर से तालियां बजाई। और सच में सलमान उम्मीद करते हैं कि इस किरदार को किरदार तक ही रखना चाहिए, ना कि इतने मजनू बनकर खुद की लाइफ गंवानी चाहिए। शायद इसके पीछे उनकी पर्सनल लाइफ में छलका हुआ दर्द भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं। सलमान की फिल्म दबंग का ही एक डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शायद सलमान भी यही कहेंगे कि उन्हें प्यार से डर लगता है, या फिर यूं कहिए कि प्यार उनसे डरता है, पता नहीं। वैसे कुछ लोगों ने इस फिल्म को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया था। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि राधे एक साइड गुंडा टाइप है और दूसरी ओर वो एक सॉफ्ट हार्टेड लवर है, तो ये दोनों साइड कैसे पॉसिबल हो सकती है। पर क्या करे, सलमान खान को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रियल लाइफ में भी वो कभी सख्त है तो कभी नरम। ये सलमान खान है, दिल में आते हैं दिमाग में नहीं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सलमान के दुश्मनों के बारे में। नहीं, हम रियल लाइफ दुश्मनों की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी तो लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। हम राधे के दुश्मनों के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल तेरे नाम फिल्म में सलमान खान की कुछ गुंडों से जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें उनका सिर एक लोहे की चीज पर पटका जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब होती है। इस सीन में स्टंट कोरियोग्राफर महेंद्र वर्मा शामिल थे, जिनके कंधे पर लाल और सफेद रंग का एक चेक्स का स्कार्फ था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म में सलमान खान को मारा, और फिर सलमान खान की 2009 में रिलीज हुई वांटेड फिल्म में सलमान खान और उनके बीच एक फाइटिंग सीन था, जिसमें सलमान खान ने उन्हें एक ट्रेन पर पटका था। वांटेड फिल्म में भी सलमान खान का नाम राधे ही था। मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंट। वैसे
महेंद्र तेरे नाम के साथ साथ तेजा, हेलो ब्रदर, दिल ने जिसे अपना कहा, दूल्हे राजा, देसी बॉयज, हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों में भी स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वैसे तेरे नाम फिल्म का बजट था 10 करोड़ और फिल्म ने 24 करोड़ से ज्यादा कमाई की, जो उस वक्त की अच्छी खासी कमाई मानी जाती है। इस सब के लिए सलमान खान को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उनका क्रेज ही काफी था फैंस को थिएटर की तरफ लाने के लिए। फिल्म के ओपनिंग डे के दौरान जोधपुर में 12 से ज्यादा लोगों ने तेरे नाम स्टाइल किया था और इस चीज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वैसे जोधपुर से जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे, पर तब तक आपको करना होगा इंतजार। अब तेरे नाम ने तो अपना काम बखूबी निभा लिया, पर अब इसके सीक्वल के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं कि क्या इसका सीक्वल प्यार और पागलपन से भरा हुआ होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर।